कांचन की धरती को प्रणाम करता हूं। मां जानकी की धरती हम सब के लिए अयोध्या की तरह ही पवित्र है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता जानकी के बगैर अधूरे माने जाते हैं, इसलिए जय सीता राम कहते हैं। जय श्री राम के पीछे भी यही भाव है और हम सबके लिए एक पवित्र भाव के साथ मां जानकी की धरती उसी आस्था और उसी श्रद्धा की प्रतीक होने के नाते मैं सचमुच अपने आप को बहुत गौरवशाली मानता हूं और आनंद की अनुभूति कर रहा हूं कि मां जानकी की इस पावन धरती पर आकर के आप सब के साथ संवाद बनाने का मुझे एक अवसर प्राप्त होना है। आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आज के इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रत्याशी श्रीमान नीतीश मिश्रा जी, राजनगर से प्रत्याशी श्रीमान रामप्रीत पासवान जी, माननीय सांसद झंझारपुर श्रीमान रामप्रीत मंडल जी, पूर्व सांसद और हमारे साथ संसद में रहकर के जिन्होंने बिहार की और इस क्षेत्र के विकास की आवाज को बड़ी प्रखरता के साथ उठाते थे, सम्मान्य श्री मंगलीलाल मंडल जी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए 1989 में जब पहली बार शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था तो इसी माटी के सपूत पूर्व सांसद श्री कामेश्वर चौपाल जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज वे यहां पर हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सियाराम शाह जी, जिला प्रभारी जनमेजय सिंह जी, प्रदेश मंत्री प्रवीण दास ताती जी, मुन्ना भंडारी जी, राम सुंदर यादव जी, सहदेव शाह जी, श्रीमती अमृता भूषण जी, उदय कुमार चौधरी जी, अशोक सानी जी, चंद्रकांत सिंह कुशवाहा जी, चंद्रवीर कामत जी, अरुण कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी और जदयू से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मिथिलांचल की धरती पर मां जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इससे पूरी दुनिया कोरोना के सामने प्रस्त है, लेकिन बिहार चुनाव में इतना मस्त है कि कोरोना स्वयं ही यहां पस्त है। कल मैं देख रहा था बिहार के उत्साह को, कोरोना
बहनों, जब 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा तो इस मतदान के प्रतिशत को 70-80 तक पहुंचाने की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दो बातें जरूर कही हैं। एक, उन्होंने कहा कि बीमारी और अग्नि को कभी भी हल्के से नहीं लेना चाहिए, यानी इनसे बचाव जितना हो सकता है उतनी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब तक दवा या वैक्सीन हमारे पास स्वयं नहीं आ जाती है, तब तक हर हाल में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन हमें करना ही होगा। इसका पालन करने का आह्वान आप सबसे करूंगा। भाइयों बहनों, एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ते हुए आप सबके उत्साह ने दुनिया के सामने एक नई नजीर प्रस्तुत की है, और दूसरी तरफ 500 वर्षों की देश और दुनिया की एक जो ठीस थी, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए मिथिलांचल वासियों को बधाई देने और अभिनंदन करने के लिए विशेष रूप से आया। और मैं सही बता रहा हूं कि मेरी हार्दिक इच्छा भी कि श्रीमान कामेश्वर चौपाल जी की तरह ही आपकी उपस्थिति भी इस अवसर पर अयोध्या में हो। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हम लोगों ने कम संख्या में अतिथि बुलाए थे, लेकिन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी करवाया गया। और हम लोगों की हार्दिक इच्छा होगी कोरोना को परास्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण करके हर मिथिलांचलवासी अयोध्या में आकर के राम जानकी का दर्शन करके अपने जन्म और जीवन को पूर्ण अर्जन का भागीदार बनाए। इस दृष्टि से आपको अग्रिम आमंत्रण देने के लिए भी आज मैं विशेष रूप से यहां आया हूं। मां जानकी की कृपा से धरती बड़ी पवित्र धरती है। देश और दुनिया को अनेक विद्वान और अनेक महारथी जीवन के अनेक क्षेत्र के इस धरती ने दिए हैं। भाइयों बहनों, स्वाभाविक रूप से एक स्वाभाविक आकर्षण देश और दुनिया का इस धरती के प्रति जुड़ता है। राज व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, मिथिला उसका एक उदाहरण है। महाराज विधि से प्रारंभ चली परंपरा किस रूप में आदर्श राज्य के संचालन का आदर्श बनती है, और वही तो कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार वही कार्य करते हुए देश और दुनिया के सामने नए नए मानक और नए नए आदर्श बनाते जा रहे हैं। भैया बहनों, पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, त्रस्त है, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए समयबद्ध निर्णय और देश के व्यापक हित में उठाए गए कदमों ने आज भारत को एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचाया है। कोरोना कालखंड में गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न की गारंटी देना, जनधन अकाउंट, नारी माताओं के अकाउंट में धनराशि हर महीने उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, प्रधानमंत्री
सम्मान निधि से जुड़े हुए किसानों के खाते में धनराशि सीधे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, और यही नहीं आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र को दे करके कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को जिस प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, भाइयों बहनों ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और दुनिया आश्चर्य और विस्मय की निगाहों से देख रहा है कि इतनी बड़ी आबादी, 135 करोड़ की आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे सुरक्षित स्थिति में पहुंचाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों आज परिवर्तन देखने को मिल रहा है। याद करिए 15 वर्ष पहले बिहार की स्थिति क्या हो गई थी। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आया था, विश्वास का एक नया संकट खड़ा हुआ था, और यूपीए की सरकार ने 2004 से 2014 के बीच में भी आपने देखा होगा रोज नए घोटाले, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी पोल घोटाला, और घोटाले पे घोटाले करके इन नौजवानों के जीवन के साथ जिन लोगों ने कांग्रेस और राजद के लोगों ने जिन्होंने खिलवाड़ किया था, जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, वही लोग आज रोजगार का एक झुनझुना लेकर के एक बार फिर से आकर के जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य करना चाहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों बिहार की ऊर्जा का लोहा देश और दुनिया मानती है, इनके इस रोजगार के झुनझुने में जाने की आवश्यकता नहीं। हम सब इस बात को जानते हैं, पहचानते हैं, ये लोग धोखा करने वाले लोग हैं, इन्होंने देश के साथ धोखा दिया, इनके लिए तो देश महत्वपूर्ण नहीं, समाज भी महत्वपूर्ण नहीं, इनके लिए स्वयं का परिवार महत्वपूर्ण है। याद करिए भाइयों बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है, विधायक और सांसद बन सकता है, लेकिन क्या कांग्रेस में एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है क्या? क्योंकि वहां तो एक ही परिवार के लोगों को बनना है। और क्या ऐसे ही राजद के अंदर भी क्या कोई बाहर का कोई व्यक्ति वहां का अध्यक्ष बन सकता है क्या? तो फिर इनसे कुछ उम्मीद करते हैं क्या? और ये लोग तो फिर से बिहार में नक्सलवाद को और माओवादी हिंसा को भड़काना चाहते हैं, जिसे नीतीश कुमार जी ने 15 वर्ष पहले समाप्त कर दिया है। आज भाकपा माले के साथ और कम्युनिस्टों के साथ इनका गठबंधन इस बात की गारंटी दे रहा है, ये लोग फिर से अराजकता और जंगल राज लाने की तैयारी कर चुके हैं। और भाइयों बहनों इसे बिहार के अंदर फिर से नहीं आने देना। याद करिए 6 वर्ष पहले आपने देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथों सौंपी थी, और 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 करोड़ गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया, 10 करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय उपलब्ध करवाए, 15 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से धन उपलब्ध करवा करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर लेकर के गए, 35 करोड़ गरीबों के लिए जन धन अकाउंट खोल करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया,
12 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने का कार्य किया और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने के साथ ही कोरोना कालखंड में और अभी भी 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य कोई कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, पूछना चाहते हैं कांग्रेस और राजद के गठबंधन को, इनको भी देश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने कौन से लोक कल्याणकारी कार्य किए, इन्होंने देश में समस्याएं जरूर दी, बेमानी इन्होंने फैलाई, भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया, परिवारवाद इन्होंने फैलाया, जातिवाद इन्होंने फैलाया, नक्सलवाद इन्होंने फैलाया, आतंकवाद इन्होंने किया और नारी गरिमा को भी ठेस इन्होंने पहुंचाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था कि पहले 5 वर्ष देश के गरीबों के कल्याण के लिए, अगले 5 वर्ष भारत के उत्थान के लिए, भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, उसकी शुरुआत होती है नारी गरिमा और सुरक्षा से। यद्यपि पहले अपने कार्यकाल में उन्होंने नारी गरिमा और के लिए तमाम कार्यक्रम किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो या फिर 10 करोड़ परिवारों को शौचालय देकर के न केवल स्वस्थ रहने की बल्कि नारी गरिमा की रक्षा का अभियान उन्होंने प्रारंभ किया, अभी तो अगले चरण में भाइयों बहनों 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य भी किसी ने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। नहीं तो इससे पहले आधी आबादी को अपमानित होना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा के लिए सदैव के लिए उस पर प्रतिबंध लगा करके समाप्त करके नारी गरिमा की रक्षा भी 3 तलाक की कुप्रथा पर लगाम लगा करके करने का कार्य किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, देश के अंदर इससे पहले आपने देखा होगा मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले के समय देश इस बात को बोलता था कि ये पाकिस्तान का कायराना हरकत है, पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व मुंह छुपाए फिरता था और कहता था नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि कहीं पाकिस्तान एटम बम का उपयोग न कर ले। भाइयों बहनों, याद करिए जब कश्मीर के अंदर सीआरपीएफ के एक काफिले पर एक आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान का नाम सामने आते ही भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य मोदी जी के समय में कर दिया है। भारत ये है नया भारत, ये है न्यू इंडिया। हमने भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी, और चाहे पाकिस्तान हो या चाहे कोई हो, अगर भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस करेगा तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी बहादुर सेना खड़ी है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, यही नहीं, इससे पहले बिहार का कोई व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सर्विस करता था, अगर उसकी इच्छा होती थी कि एक घर यहां भी बना लो, नहीं बना सकता था। कांग्रेस ने आपको इस अधिकार से वंचित किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बिहारवासी को अधिकार दे दिया कि अगर वो चाहे तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी अपना जमीन खरीद सकता और मकान बना सकता है। कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया और आतंकवाद की ताकत पर अंतिम कीट ठोकने का कार्य भी कर दिया है। अब भारत की धरती पर आतंकवाद के लिए नहीं,
नक्सलवाद के लिए नहीं, अब विकास के लिए भारत की धरती जानी जाएगी और विकास के लिए अच्छे सोच के लोग राजनीति में आने चाहिए। इसी जिससे विधानसभा के चुनाव में हम सब आपके बीच आए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछली विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश मिश्रा जी को आपने 1000 वोट और बढ़ा करके दे दिए होते तो वे फिर से आगे विधायक होते, लेकिन 2015 की चूक का बदला देने का अवसर आपके पास है 2020 में। भाइयों बहनों, उस चूक को क्योंकि बहुत अच्छी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी, लेकिन मतदान का प्रतिशत आप थोड़ा और बढ़ा देते तो वह कई हजार वोटों से चुनाव जीत करके यहां से चले गए होते। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके बीच में आए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो सहयोग के प्रत्याशी आपके बीच में दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जदयू का जो गठबंधन है ये एनडीए के रूप में आपके बीच में आया है और एनडीए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला, विकास को प्राथमिकता देने वाला, राजनीति की धुरी को बदल करके जाति मत मजहब के आधार पर क्षेत्र भाषा से हटा करके इन सब से अलग हट करके हमने गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया। मकान दिए गए, शौचालय दिए गए, विद्युत और रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, आयुष्मान भारत के कार्ड उपलब्ध कराए गए। क्या किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा देखी गई क्या? सबको दिया, सबका साथ सबका विकास। हमने सबके हित के लिए कार्य किया। भाइयों बहनों, जब सबके हित के लिए कार्य किया गया तो वोट भी तो सबका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? और इसीलिए आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो करके दिखाया है। हम पे ये आरोप लगता था कि अयोध्या में मंदिर नहीं बना रहे हैं, अब तो वह कार्य करके भी आ गए। इसलिए इससे पहले ही हमारा संकल्प जो था, हम लोगों ने तो कामेश्वर चौपाल जी को आपके बीच में पहले भेज दिया था और इसीलिए मिथिला के ही एक सपूत से कि देश के अंदर हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं, 1989 में कामेश्वर चौपाल जी के हाथों से राम जन्मभूमि की पहली शिला रख दी गई और प्रधानमंत्री मोदी जी के दर्शनों से मंदिर निर्माण का कार्य भी शुभारंभ करके मैं मिथिलांचल की धरती को प्रणाम करने के लिए स्वयं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है। 500 वर्षों की जो तमन्ना थी, जो टीस थी कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो, वह सपना साकार हुआ है और सपने को साकार कराने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं और मैं आप सभी मिथिलांचल वासियों का अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर ये मिथिलांचल वासियों के लिए भी गौरव का क्षण है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मेरी आप सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी आपके बीच दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झंझारपुर से श्री नीतीश मिश्रा जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। एक प्रतिष्ठित परंपरा और परिवार से होने के साथ ही बिहार सरकार में मंत्री के रूप में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए भी ये पूरा क्षेत्र उनके प्रति एक वोट के माध्यम से अपना सहयोग देकर के उनके पिछले कार्यों पर भी मुहर लगाने का कार्य करेगा। और भाइयों बहनों, यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने राजनगर से श्री रामप्रीत पासवान जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इनमें सिटिंग विधायक भी है और साथ साथ वर्तमान में पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भी आपके बीच में है। मेरी आप सबसे अपील है, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा जी को
और राजनगर से श्री रामप्रीत पासवान जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए आपके बीच में विशेष रूप से मैं आपके बीच आया हूं कि 3 नवंबर को चुनाव में इन दोनों प्रत्याशियों को जहां भी भाजपा और जदयू के प्रत्याशी हैं और सहयोगी दलों के प्रत्याशी हैं जिन्हें भारी बहुमत से विजयी बना आज के समय में कोरोना से बचते हुए हम सब पूरी ताकत के साथ उन्हें जिताने में अपना योगदान दें, बिहार के विकास और सुशासन के मॉडल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार आगे लेकर के जाएगा। यही अपील करते हुए मैं वाणी को कहता हूं राम जय श्री राम।